ये क्या लिखा हुआ है? नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि किसी भी वाउचर में एंट्री पास नहीं हुई है, केवल कंपनी बनी हुई है। ठीक है, कंपनी कौन सी बनी हुई है? अब यहां पर जाएंगे ना, अल्टर पर नहीं, अल्टर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कंपनी देखना है ना। कंपनी देखने के लिए F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, कंपनी के अल्टर पे जाएंगे ना। अब ऊपर देखो कंपनी का अल्टर दिया हुआ है, तो ये कंपनी का अल्टर है। यहाँ पर जाकर के हम देख लेंगे कि कंपनी में क्या क्या फिल हुआ है डेटा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2000। ठीक है, और काम कब से स्टार्ट हुआ है? 2 मई से काम शुरू हुआ है। तो ये तो तुम्हारा डेटा हो गया, ये तो कंपनी हो गई। ठीक है, यहाँ से बाहर आते हैं। पहली एंट्री जब भी पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? एंट्री पास करने के लिए जब भी जाएंगे तो वाउचर में जाएंगे। वाउचर दिख रहा है? वाउचर में क्या हाईलाइट है? वी, वी हाईलाइट है। तो कीबोर्ड से केवल वी बटन प्रेस करो, केवल वी। फिर आगे करो, वी प्रेस करो। अब देखो ये कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें क्या करना है, कंपनी में पैसा तो है नहीं। जैसे ही हम कोई आइटम परचेज करेंगे तो हमें नेगेटिव कैश का मैसेज आएगा। कैसे आएगा वो? जैसे परचेज वाउचर में जाना है तो कहां क्लिक करना है? यहां पर क्लिक करना है। तो माउस से क्लिक करो, आ गई परचेज वाउचर में। ये नेम ऑफ आइटम दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये आइटम इनवॉइस मोड में है। ठीक है, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस मतलब बिल नंबर। तो कोई बिल नंबर डाल देते हैं, लाइक 123 डाल देते हैं। ठीक है, यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे ही यहां पर आएंगे हम, और यहां पर देखो ये कैश दिया हुआ है। तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकता है? पहली स्थिति तो वो हो सकती है कि तुम जो भी परचेजिंग कर रही हो वो पैसा दे रही हो, डायरेक्टली परचेज कर ले रही हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि हम उधार में परचेजिंग कर रहे हैं, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हम पैसा 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। तो उसके लिए पार्टी का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो पार्टी का नाम लिखने के लिए देखो ये क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे। टैली प्राइम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्रिएट दे दिया जाता है, पहले ERP9 में क्रिएट नहीं दिया जाता था। तो आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना होता था, अल्ट सी प्रेस करो, अल्ट सी। इसमें भी अल्ट सी काम करता है। ये देखो ये लिखा हुआ लेजर क्रिएशन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ सेकेंडरी। ठीक है, तो अब प्राइमरी लेजर वो है जो पहले से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां से अगर बाहर आते हैं तो यहाँ पे कैश का लेजर पहले से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता है। ये टैली के लिए अगर इंटरव्यू में जाते हो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैश का लेजर बनता है कि नहीं बनता है। तो नहीं बनता है, कभी भी कैश का लेजर नहीं बनता है, पहले से बना होता है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी बनानी है, और ये कौन सा वाउचर है? परचेज। कौन सा वाउचर है? तो परचेज वाउचर में जो भी एंट्री पास होगी वो ऐसी एंट्री होगी कि जैसे तुम्हारी दुकान है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारी दुकान है, तो उस दुकान में तुम मार्केट से सस्ता सामान खरीद के लाती हो, कुछ ज्यादा दाम पर उसको बेच देती हो, तभी तो तुमको प्रॉफिट होता है। तो जो सामान खरीद के लाओगी उसकी फीडिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, किन से खरीद के लाओगी वो डिटेल यहाँ पर आएगी। ठीक है, जिनसे खरीदोगी उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है, समझ में आ रही है बात? तो वो डिटेल भरने के लिए उस पार्टी का नाम होना चाहिए ना। तो हमने एक तरीका बताया अल्ट के साथ सी प्रेस करके। दूसरा तरीका ये है कि ये नेविगेशन की दिख रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो यहाँ से ऊपर जा सकती हो। ये लिखा हुआ है क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना है? लेजर बनाना है। तो क्रिएट पे चले जाओ, जाओ क्रिएट पे, देखें कैसे जा रही है। एंटर कर दो, जैसे ही एंटर प्रेस करोगी तो वही विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो तुमको वहां पर भी दिखाई पड़ रही थी, जैसे अल्ट के साथ सी प्रेस करो तो भी दिखाई पड़ेगी वही विंडो। तो ये अल्ट सी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये बहुत काम आएगी आगे चलकर, इसको बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से पहले बाहर आ जाते हैं और फिर वहां से चल के करो। वेरी गुड, एंटर करो, ये हो गया। अब यहां पर उस पार्टी का नाम ले लो जहां से तुम सामान परचेज करोगे, यानी वो होलसेलर पार्टी होगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं होलसेलर, होल WHOLE, होलसेलर। ठीक है, होलसेलर लिख दिया, और यहाँ पे सी लिख देता हूँ ताकि तुमको ये पता लगता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है। कौन सी पार्टी है? क्रेडिटर पार्टी। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर ग्रुप्स में बड़ी कंफ्यूजन है। अब ये कौन सी पार्टी है? क्रेडिटर पार्टी है। कौन सी पार्टी है? तो क्रेडिटर पार्टी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है
इसी से हम सामान परचेस करेंगे। बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है, इसको किस ग्रुप में डालना है, क्रेडिटर वाले ग्रुप में डालना है। तो उसका पूरा नाम होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या नाम होता है? तो सन्ड्री का स्पेलिंग किससे शुरू होगा? तो यहाँ पे केवल एस प्रेस करना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, हमको केवल एस प्रेस करना। देखो एस वाले ग्रुप नीचे हाईलाइट हो गए हैं, यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हुए हैं ना। तो हमें कहाँ जाना है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ है? यहाँ से देखो नेविगेशन की प्रेस करते हुए आ रहा हूँ, ये सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ है, इसी के अंदर इसे डालना है। अगर ग्रुप का सही सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये सन्ड्री क्रेडिटर कर लिया। एड्रेस डाल सकते हैं, फिलहाल एड्रेस को स्किप कर रहा हूँ, यहाँ देखो एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। स्टेट डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, कंट्री और स्टेट रहना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही करके एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर भी एंटर 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 करके इसको यहाँ तक आ जाओ। GSTIN नंबर अगर है तो दे दो, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? परचेज लेजर। फिर यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा। किसका लेजर बनेगा? परचेज का। परचेज का बनेगा तो क्या करना है? या तो अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और नहीं तो ये क्रिएट पर जाना है। तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक क्रिएट पर है पहले, तो खाली आपको क्या करना है? करिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखिए परचेज, PU लिखिए, एंटर प्रेस करिए। ये किस ग्रुप में जाएगा? ये जाएगा अंडर परचेज के ग्रुप में, क्योंकि परचेज अकाउंट का लेजर है तो परचेज के ग्रुप में जाएगा। सीधी बात है, खाली पी प्रेस करना है। देखो प्रोविजन दिख रहा है और परचेज अकाउंट दिख रहा है, तो हमें कहाँ जाना है? परचेज अकाउंट में। तो परचेज में जाओ, ये आ गया परचेज में, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लो। अब यहाँ पे तुमको नेम ऑफ आइटम देना है कि नहीं देना है ना? तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम देने के लिए क्या कर सकती है? एक शॉर्टकट की हमने क्या बताया कि अल्ट सी प्रेस करो। देखो लेजर अलग होता है, स्टॉक आइटम अलग होता है। स्टॉक आइटम का मतलब जो सामान तुम बेचोगी खरीदोगी वो स्टॉक आइटम है, आदमी थोड़े ना खरीदा बेचा जाएगा। आदमी तो वो माध्यम है जिसके माध्यम से सामान खरीदा या बेचा जाएगा। आदमी सन्ड्री डेटर पार्टी हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी। यहाँ पर किसकी बात करिए? सन्ड्री क्रेडिटर की। ठीक है, अगर यही सामान, लेकिन अगर यही सामान तुम अपने यहाँ से लेके बेचोगे तो तुम सेल्स वाउचर में एंट्री पास करोगे। किसमें एंट्री पास करोगे? सेल्स वाउचर। अभी हम किसमें है? परचेज में। ठीक है, तो अल्ट सी करो। अब देखो यहाँ पर उस सामान का नाम लिखना, जैसे मान लो तुम चीनी बेच रही हो, चीनी को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर। ठीक है, ये लिख दिया शुगर, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर यूनिट बनाना बहुत कंपल्सरी है। चीनिया बेचोगे तो किसमें बेचोगे? किलो में बेचोगी कि ग्राम में बेचोगी कि लीटर में बेचोगी? किलो में बेचोगी, सही बात है। तो यहाँ पर यूनिट पे जाओ, क्रिएट पर, क्रिएट देखो कहाँ है, आ गई, एंटर करो, कर लिया। किलो में बेचोगी तो किलो को क्या बोलते हैं? केजी बोलते हैं। तो यहाँ केजी लिख दोगी, लिख दिया। फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा? किलो, दे दिया। एक बार ये करना पड़ेगा, एक बार बना ली तो फिर हो जाएगा। इसका UQC कोड होता है, UQC कोड, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए खाली K प्रेस करो। देखो किलो वाला सब हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि किलो किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम सेलेक्ट करो नेविगेशन की से, एंटर करो। अब ऐसा हो सकता है कि किसी को आधा किलो भी सामान दे दो, यहाँ पे 3 लिख दो, एंटर कर दो। कितना किलो चीनी खरीद रही हो? 5 किलो। ठीक है, यहाँ 5 लिख दिया, एंटर किया। चीनी मान लो है 45 रुपए किलो, तो ये दे दिया हमने। मान लो चीनी 45 रुपए किलो है, तो ये रेट हो गया चीनी का। अब मान लो तुमको चावल भी लेना है, चावल को अंग्रेजी में बोलते हैं राइस। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करो, गुड, अल्ट सी आया। अब यहाँ टाइप करो RICE राइस, एंटर करो। बस रुकी रहो भाई, इतना तेजी का है। तो यहाँ पे देखो किलो बना हुआ है ना, चीनी वाला बनाई थी जो, वही किलो वाला यूनिट बना हुआ है यहाँ पर भी। तो अगर मान लो तेल होता, ऑयल होता या सब्जी ऑयल होता, वेजिटेबल ऑयल होता, तो उसमें क्या करते, लीटर में बेचते या खरीदते जो भी होता, तो उस कंडीशन में हमको लीटर बनाना पड़ता। ठीक है, लेकिन अभी हमको किलो की ही जरूरत है, तो यहाँ किलो लगा लेते हैं। तो ये किलो कर दिया हमने, एंटर किया, एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे मान लो 50 किलो चावल तुम परचेज कर रही हो, क्योंकि ये दुकान पे जाएगा ना, तो दुकान पे 2 किलो चावल नहीं ना बेचोगी, वो तो अभी तुरंत आके लेता जाएगा कोई, तो इसीलिए ज्यादा अमाउंट में हमको लेना होगा। ठीक है, अब ये चावल मान लो 40 रुपए किलो है,
तो ये दे दिया हमने, इसी तरीके से एंट्री होगी तुम्हारी, जो भी एंट्रीज होंगी ऐसे ही होगी, एंटर करो। अब ये देखो ये विंडो आ जाती है, अगेंस्ट रेफरेंस दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, न्यू रेफरेंस दिया हुआ है, तो हमने नई एंट्री पास की है तो न्यू रेफरेंस कर देंगे, आई बात समझ में, एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ये तुम्हारी एंट्री पास हो गई। अब ये एंट्री गई कहां, कहां से दिखेगी हमें, तो एस्केप बटन इसके लिए प्रेस करना होगा, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आओ, ठीक है। और यहां से देखो डे बुक है ना, हमको डे बुक में जाना है, तो या तो हम नेविगेशन की का प्रयोग करके डे बुक में जाएं, या देखो डे बुक में क्या हाईलाइट है, तो खाली के प्रेस कर दो, आ गए, एंटर करो, जो एंट्री पास की थी यही है ना। अब प्रिंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, अल्ट पी प्रेस करेंगे, अल्ट पी, दोनों हाथ लगाओ, एक हाथ से अल्ट प्रेस करो, दूसरे हाथ से पी प्रेस करो, आया ये लिखा हुआ है करेंट, इसी को हमें प्रिंट करना है ना, एक बार एंटर करो, प्रीव्यू देखने के लिए क्या प्रेस करना है, आई प्रेस करो, देखो ये तुम्हारा इनवॉइस है, ऐसे ही इनवॉइस जनरेट होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसमें देखो इसको यहां से जूम कर लेते हैं, यहां से देखो ये दिया हुआ है जूम, तो ये देखो ये यहां पे दिया हुआ है सप्लायर का नाम होलसेलर सी है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो ये सप्लायर का नाम है, ठीक है, इसी तरीके से एंट्री पास होगी। लेकिन अभी तक हमने इनको पेमेंट नहीं दिया है, इन्होंने केवल वाउचर दिया है हमें इतने का हुआ, लेकिन अभी हमने इनको पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। जब भी परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए यहां से बाहर आ जाओ, बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है, ठीक है, आ गए, बी प्रेस करते हैं क्योंकि हमें वाउचर में जाना है, वाउचर में आ गए। अब कौन से वाउचर में जाना है, पेमेंट करना है ना, तो कौन सा वाउचर है, F5 से कौन से वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में, तो F5 प्रेस कर दो, तो ये F5 प्रेस कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं सिंगल एंट्री मोड, कौन सा मोड बोलते हैं, सिंगल एंट्री मोड, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, फिलहाल सिंगल एंट्री में ही एंट्री पास कर लेते हैं, वैसे आप चाहे तो कर भी सकते हैं डबल एंट्री, यहां से आप 12 प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ 2/y, तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर अकाउंट आ रहा है ना, 2y आ रहा है ना, डेबिट क्रेडिट आ रहा है, तो आपको F12 ही प्रेस करना है और यहां से डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू करना है। डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू हो गया, इसका मतलब ये डबल एंट्री मोड में आ गया, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है। अब देखो ये नीचे कितनी लाइन बनी हुई है, एच के ठीक नीचे कितनी लाइन है, दो लाइन है, एक लाइन होगी तो इसका मतलब होगा वो बटन अल्ट के साथ दबाना है, अगर दो लाइन होगी तो इसका मतलब होगा कि वो बटन आपको किसके साथ दबाना है, कंट्रोल के साथ। तो ये अल्ट है कि कंट्रोल है, डबल लाइन है, देखो कंट्रोल, तो कंट्रोल एच प्रेस कर दो, जैसे ही प्रेस करोगी तो यहां सिंगल एंट्री डबल एंट्री नजर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री ऑलरेडी है, डबल एंट्री करना है, तो डबल एंट्री कर दो, एंटर कर दो। अब देखो डेबिट क्रेडिट आने लगा, आप ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ रही बात समझ में। ऊपर डेबिट लिखा हुआ आ रहा है और नीचे भी डेबिट लिखा हुआ आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहां पे होलसेल किसी को पेमेंट करना है ना, डेबिट कर दो। कितना पेमेंट करना है, 2225 है ना, लेकिन तुम्हारे पास कंपनी में पैसा है, शुरुआत में तो कोई पैसा रिसीव नहीं कराया गया है, यहीं पर दिक्कत आएगी। देखो कैसे ये हो गया 2225 दे दिया, एंटर प्रेस किया। एजीएसटी रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस, क्या मतलब होता है, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है कि उस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो जो आपको होलसेलर ने दिया था, कि ये सामान आप ले जा रहे हैं तो इसका बिल हम आपको दे रहे हैं, इतना रुपया आपको पेमेंट करना है, तो जब पेमेंट कर देंगे तो एक दूसरा रसीद वो आपको देगा। आप देखिए 123 नंबर का वाउचर हमने उस समय लिया था, 123 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर लिया था, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर अभी डेबिट आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्रेडिट चाहिए क्योंकि बार बार डेबिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे CR टाइप कर दीजिए, कीबोर्ड से लिखिए CR और एंटर कर दीजिए। देखिए क्रेडिट आ गया ना, आ गया कि नहीं। अब ये पैसा हम कैश में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये हमें तय करना है। तो मान लीजिए कि बैंक से दे रहे होंगे तो बैंक कर सकते हैं, फिलहाल हमने आपको बैंक बताया नहीं अभी, ठीक है। तो कैश का लेजर पहले से बना होता है, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए तुरंत यहाँ क्या वार्निंग आ रही है, देखिए नेगेटिव कैश, आपके पास कैश है नहीं, जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं, ऐसे में दिक्कत होती है, और ऐसे में जो आपका मालिक होगा जिस दुकान पे या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना होगा, वहां पर वो आपके
पढ़ाई पर सवाल उठाएगा कि आपने टैली ठीक से सीखा नहीं है, तभी आपने गलती किया है, क्योंकि ये तो माइनस में चला जाएगा, तो हिसाब किताब में ये पकड़ में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कोई भी पैसा रिसीव नहीं कराया, ठीक है? तो पहले पैसा रिसीव कराना जरूरी है, ठीक है? इसके अलावा ये देखो यहाँ पे रेड में दिखाएगा, ये रेड में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना? तो पहले पैसा रिसीव कराना होगा। देखो अगर इसी पैसे को हम रिसीव करा दें, जैसे वाउचर में गए, एंट्री पास करने के लिए हमें वाउचर में जाना ही होगा। अब रिसीव वाउचर के लिए क्या प्रेस करना है? F6। तो देखो इसमें F6 है कहीं, देखो प्रेस करो ऊपर आ गया, क्या लिखा हुआ है? रिसीव लिखा है ना। अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है, जब भी क्रेडिट करेंगे तो किसको करेंगे? टैली में या अकाउंट्स में, अकाउंट्स की भाषा में पैसे या रुपए को जो कंपनी में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? तो कैपिटल का लेजर बनेगा, क्या बनेगा? कैपिटल का लेजर बना लो, सीधे यहाँ पे जाओ, क्रिएट पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल अकाउंट, ये ऑब्लिक सी, ऐसे करना है, ठीक है? ये हो गया। अब ये चीज जो है ये किसमें जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा? तो इसका एक अलग से ग्रुप बना होता है कैपिटल अकाउंट। देखो ऊपर कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है, तो इसी पे जाकर के एंटर कर देना है, ठीक है? अगर आप फर्म का नाम देना चाहती है, जैसे आपकी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है या दुकान है, उस दुकान का अगर तुम नाम देना चाहती हो तो दुकान का नाम भी दे सकती हो। फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट रखते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, कितना रुपया दुकान में इन्वेस्ट कर रही हो? जैसे मान लो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही हो, ठीक है? ये 1,000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 1,00,000 हो गया, एंटर किया। अब यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली डेबिट आ रहा है, तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, पहले से आ रहा है। हम कैश लगा रहे हैं, कैश, ठीक है? तो ये लगा दिया हमने। अब वही एंट्री जिनको पेमेंट करना था, तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में जाना है, क्या प्रेस करना है? F5। तो प्रेस करो F5। आगे पेमेंट वाउचर में डेबिट किनको करेंगे? होलसेलर पार्टी को ना, तो इनको डेबिट कर दो। कितना पेमेंट करना है? 2,225 रुपए हो गया। ये आगे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, 1, 2, 3 नंबर था, याद ही है तुमको, ठीक है? एंटर करो, यहाँ पर क्रेडिट आ गया। तो अब कैश करोगी और एंटर प्रेस करोगी, तब ये नेगेटिव कैश कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। पैसा रिसीव करा दोगी तो नेगेटिव कैश नहीं आएगा, और यही अगर रिसीव नहीं कराई रहोगी तो नेगेटिव कैश आएगा। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से इस एंट्री को सीखना है तुमको, ठीक है? 3-4 दिन आपको यही सिखाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? 3-4 दिन पूरा यही आपको सीखना है। ओके ओके।